वेलकम टू द चैनल, आई एम सरन सहानी। तो क्लास 10 आज पढ़ते हैं इंग्लिश की जो दूसरी बुक है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका सेकेंड चैप्टर द थीव स्टोरी। तो सबसे पहले बता दो, ट्रायंफ ऑफ सर्जरी पढ़ लिया, ट्रिकी वाला? यस, लिख दो। तो ट्रिकी वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, और डेट लिख दो जिस दिन तुम इस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चे भैया एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ने आते हैं काफी सारे, बट ये यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, हर जगह आने वाला है। तो जल्दी से डेट बताओ, तुम कौन से दिन इस चैप्टर को पढ़ने आए हो, एग्जाम से 2 दिन पहले या बहुत महीनों पहले? तो डेट बता दो। चलो, अब जब डेट बता ही चुकी हो कि आज पढ़ रहे हो, तो वेलकम, आज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को जिसका नाम है द थीव स्टोरी। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो एक आप कह सकते हो दैट ही इज अ इंडियन राइटर, और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लिखी है यहाँ पे। और इसमें इन्होंने हमें बताया है कि कैसे एक बच्चा जो होता है ना, उसको अपनी लाइफ में एजुकेशन की वैल्यू पता चलती है कि भाई पढ़ाई लिखाई ना कितनी जरूरी चीज़ है, पढ़ाई ऑन टॉप। ठीक है, चलो समझते हैं क्या कैसे समझने आने वाला है हमारे को। तो मेन दो करेक्टर्स हैं इस थ्योरी के, एक है लड़का जिसका नाम है अनिल, अनिल लगभग 25 साल का है, और दूसरा है हरी सिंह। हरी सिंह जो है, इसका असली नाम पता नहीं क्या है, ये जो हरी सिंह है ना, ये एक चोर है। तो ये जब भी किसी इंसान से मिलता है तो ये उसको अपना फेक नेम बताता है कि मैं चोर हूँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ इसलिए। तो ये एक बार अनिल से मिलता है, इसको तुम सपोज कर लो अनिल, तो ये एक बार अनिल से मिलता है तो ये अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताने वाला है। ठीक है, तो चलो जानते हैं इस चोर की कहानी द थीव स्टोरी में। लाइन बाय लाइन मैं एनसीईआरटी से रीड करके आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ। वर्ड मीनिंग यहाँ पे गिवन है, कुछ वर्ड मीनिंग मैं रीड कर दूंगी, वरना अपने आप देख लेना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। रेडी हो? स्टार्ट करें, जल्दी वीडियो को लाइक कर दो नहीं करा तो। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो ये चोर अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहा है, तो आई से शुरू कर रहा है। हरी सिंह अपनी कहानी खुद बता रहे, कहता है आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बहुत एक्सपीरियंस था चोरी करने में, एंड आई हैड सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल हैंड मतलब मैं काफ़ी सक्सेसफुल आदमी बन चुका था, चोरों की लैंग्वेज का अच्छा खासा चोर था मैं, ऐसे कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, और जब मैं अनिल से मिला था तो अनिल रेसलिंग कुश्ती का मैच देख रहा था, एंड जो अनिल है ना वो वहाँ बैठा हुआ आराम से देख रहा था उसको, एंड आई अप्रोच टू हिम। अप्रोच मतलब होता है पास जाना, तो मैं उसके पास गया। ठीक है, ही वॉज अबाउट 25, वो अनिल जो था वो 25 साल का था तब, बहुत लंबा, अचॉल, लीन फेलो, लीन मतलब वो पतला सा था, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और बहुत ही ईजी गोइंग मतलब बड़ा मतलब सीधा साधा सा बंदा लग रहा था, काइंड, अच्छा दिल का, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और काफ़ी ना सीधा सा लग रहा था, और मेरे पर्पज़ के लिए मतलब मेरा जो उद्देश्य था ना कि मैं चोर हूँ, चोरी करनी है मेरे को, उसके लिए मुझे सही लग रहा था कि इसका तो पोपट में आराम से बना ही दूंगा। आई हैडन्ट हैड मच लक ऑफ लेट, अब वो कहता है साथी के साथ में, आई हैडन्ट हैड, मेरे को काफ़ी समय से लक मतलब मेरी ना चल नहीं रही थी बहुत समय से, मतलब कोई चोरी मैं कर नहीं पा रहा था बहुत समय से, मेरा बैड लक चल रहा था चोरी के मामले में, एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगा यार ये लड़का तो काफ़ी सीधा सा लग रहा है, इसको तो अपने कॉन्फिडेंस मतलब इसको तो जो है मैं अपने जो है बातों में फंसा ही लूँगा। अब ये अनिल के पास जाता है, तो ये रहा अनिल, हरी सिंह अनिल के पास बहुत जाता है और उसको कहता है यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, अरे तुम तो खुद पे पहलवान जैसा ही लग रहे हो, ऐसे बोलता है उसको। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, वो कहते हैं फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, कि ना थोड़ी बहुत चापलूसी करने से ना दोस्त बन जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो चापलूस दोस्त रख के खुश होते हैं, ठीक है, जानते हो उसी को तो सोच सकते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, अब अनिल उसको क्या रिप्लाई करते हैं, अरे तुम भी बिल्कुल ऐसे ही लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, और कह रहा जैसे ही अनिल ने मुझे ये बोला तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि तब तो मैं बहुत पतला सा था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, बट फिर भी मैंने वहाँ मॉडेस्टली मतलब मैंने शर्माया नहीं और मैंने कहा बिल्कुल रिस्पेक्टेडली, मैंने बोला हाँ हाँ कभी कभी रेसलिंग मैं भी कर लेता हूँ। अब अनिल उससे उसका नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम, अनिल ने उसका नाम पूछा, उसने रिप्लाई करा हरी सिंह, तो हरी सिंह अपना नाम हरी सिंह बताते हैं और हमें बताता है रीडर्स को, आई लाइट, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से भी बचा लेती है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस जान पहचान के बाद, इंट्रोडक्शन मतलब जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, वेल ऑयल्ड मतलब जो रेसलर्स होते हैं ना पहलवान, वो अपने सर अपने जो है पूरी बॉडी के ऊपर सारे के सारे तेल लगा लेते हैं, तो हमने रेसलर्स के बारे में बात करी, हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मतलब वो जैसे दांत बीच के साउंड निकाल रहे थे, मतलब कुश्ती करते हुए उनको ग्रंट कर रहे थे वो, और उनको और लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और वो पहलवान एक दूसरे को फेंक रहे थे इधर से उधर। आई डिडंट हैव मच टू से, कह रहा मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट अनिल और मैं फिर भी कुछ कुछ बातें करे जा रहे थे। अब वो रेसलिंग मैच खत्म हो जाता है, अनिल वॉक वे एंड आई फॉलोड कैजुअली, अब अनिल वहां से चला जाता है और ये हरी सिंह अनिल का पीछा करता है। हेलो अगेन ही सेड, कह रहा मैंने उसका पीछा करते हुए जा रहा था तो अनिल ने मुझे कहा हेलो अगेन ही सेड, तो अब अनिल दोबारा हेलो कर देता है कि यार लड़का पीछे पीछे आ रहा, तो अनिल ने हेलो कर दी। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल,
क्या ना, मैंने उसको अपनी सबसे प्यारी वाली स्माइल दी, जैसे हीमा मरी और शिनचान देते ना, बिल्कुल वैसे ही। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उसको कहा कि भाई मुझे तेरे लिए काम करना है, बट आई कांट पे यू। तो इतने में ही अनिल उसे क्या रिप्लाई करता है, आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, कह रहा, और तभी मैंने एक मिनट को सोचा, परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। यार मैंने तो अपने मिस जज मतलब गलत डिसीजन ले लिया ना, मतलब गलत आंक लिया एक तरीके से, तो मिस जज मतलब गलत अनुमान लगाना हिंदी में कहो तो कह रहा, अरे मैंने अपना टारगेट गलत चुन लिया। आई आस्क कैन यू फीड मी, तो कह रहा मैंने सोचा, मैंने उससे कुछ और पूछा, मैंने उसे कहा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो उसने मुझे कहा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब अनिल ने कहा भाई मेरे पे पैसा नहीं है, क्या ही काम करेगा तू मेरे लिए, तो मैंने उससे पूछा अनिल से क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो उसने मुझे कहा क्या तुम खाना बना सकते हो, तो आई सेड आई कैन कुक। तो अब हरी सिंह क्या कहता है, हाँ मैं खाना बना लेता हूँ, एंड आई लाइड अगेन, कह रहा मैंने फिर झूठ बोल दिया, मुझे आता नहीं था खाना बनाना। तो फिर अनिल कहता है इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो वो अनिल कहता है ठीक है अगर तुम खाना बना लेते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो इनकी डील डन हो जाती है कि आज से अनिल के लिए खाना हरी सिंह बनाएगा और बदले में खाना वो उसको खिला दिया करेगा, ठीक है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब वो जो है दोनों के दोनों अनिल के घर की तरफ जाते हैं। अनिल का घर क्या है, एक कमरा उसने किराए पे ले रखा है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, तो मिठाई की दुकान है ना उसके, है ना, तो जो मिठाई की दुकान है जमुना स्वीट शॉप, उसके ऊपर अनिल का घर है, मतलब उसका कमरा है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बैल्कनी, और अनिल उसको क्या कहता है हरी सिंह को कि तू बैल्कनी में सो जाइयो, एक ही कमरा था ना तो तू बैल्कनी में सो जाइयो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, बट कह रहे जो मैंने खाना बनाया उस दिन वो टेरिबल मतलब काफी गंदा था, भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, क्योंकि भयानक इसलिए था क्योंकि अनिल ने वो खाया नहीं खुद, उसने वो स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के कुत्तों को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे कहा जाओ यहाँ से, टोल्ड मी टू बी ऑफ मतलब अनिल ने उसे जाने को जो है वो कह दिया था, ठीक है जी। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। बट आई जस्ट हंग राउंड, बट मैं वहाँ खड़ा रहा, हंग राउंड मतलब मैं वहीं खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बहुत अपीलिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा प्लीजेंटली इतने प्यार से उसको देख के मैंने स्माइल करा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उस बेचारे को हंसी आ गई। तो अनिल 25 साल का एक लड़का है और उसको ना ऐसे तरस आ गया, क्या 15 साल का बच्चा सा तो है, कोई नहीं चलो मदद करने को कह रहा है मेरे को, तो वो हंसने लगता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और फिर उसने उसके सर पे ऐसे यूँ सहलाया सर को, जैसे बड़े भाई करते हैं ना वैसे। एंड सेड नेवर माइंड, अरे कोई बात नहीं, कहता है He would teach me to cook, कहता है अरे कोई बात नहीं बेटा मैं तेरे को खाना बनाना सिखा दूंगा, फिर बना लियो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना। He also taught me to write my name, और उसको ये भी प्रॉमिस करता है अनिल कि ठीक है मैं तुम्हें ना अपना तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना भी। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर, तो अनिल ना एक अच्छा इंसान है दिल का वो, तो वो कहता है उस बच्चे को कि ठीक है मैं तुझे ना खाना बनाना भी सिखा दूंगा, पढ़ाई करना भी सिखा दूंगा, पढ़ना लिखना, सेंटेंसेस लिखना, नाम लिखना, नंबर ऐड करना, ये सब मैं सिखाऊंगा। भाई बन गए थे वो दोनों। आई वॉज ग्रेटफुल, कह रहा मुझे बहुत ग्रेटफुल, मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा ना थैंकफुल जो है आभारी महसूस कर रहा था वो अनिल का कि यार ये लड़का कितना अच्छा है, मेरी मदद कर रहा है। I knew that once I could write like an educated man, तो वो पढ़ाई लिखाई का सोच के इतना ज़्यादा खुश क्यों होता है हरी सिंह, क्योंकि हरी सिंह को भी पता था कि once I could write like an educated man, अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो मेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ इस लाइफ में, तो उसे एजुकेशन की वैल्यू पता थी। अब आगे पढ़ते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो कह रहा अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द टी सप्लाईज, और फिर दोपहर में जाता था घर के राशन पानी खरीदने के लिए, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे, और कभी कभी जो हिसाब किताब होता था सब्जी और राशन को उसमें से एक रुपये मेरे पास बच जाते थे, तो वो एक रुपये मैं अपने पास रख लिया करता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है अनिल को पता था वो एक रुपये बचे हुए मैं अपने पास रखता था, बट ही डजेंट सीम टू माइंड, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे, वो कुछ भी नहीं कहता था। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट, अब अनिल पैसा कैसे कमाता था हरी सिंह ये बताता है। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब क्या हुआ, कभी 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 कमाता था, कभी कभी नहीं कमाता था, तो कोई रेगुलर जॉब नहीं थी अनिल की, कभी पैसा आ गया कभी नहीं आया ऐसा था। ही वुड बोरो वन वीक, कभी उधार मारता था एक हफ्ते तो उधार मांगा करता था, लेंड द नेक्स्ट वीक, और दूसरे हफ्ते उधार दे दिया करता था, ऐसा था, कभी पैसा है कभी नहीं है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा डरता रहता था यार मेरा चेक कब आएगा, मेरा चेक कब आएगा, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, बट जैसे ही पैसा आता था चेक आता था तो बाहर जाके मौज मस्ती में उड़ा दिया करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वीर वे ऑफ लिव मेकिंग अ लिविंग, अब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैगजीनों के लिए लिखता है अनिल, क्वीर क्वीर मतलब होता है स्ट्रेंज, एक और अजीब सा वे टू मेक अ लिविंग, तो हरी सिंह को जमाने बहुत पुराने जमाने की बात है, तो हरी सिंह को लगता है यार ये बड़ा क्वीर स्ट्रेंज वे है पैसा कमाने का, तो उसे यकीन नहीं होता यार ये मैगजीन में लिख के पैसे कमाता है, उसे अलग सा लगता है, ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम विद सम बंडल ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कह रहा एक शाम को अनिल घर आया उसके हाथ में नोटों का बंडल था, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने मुझे कहा अभी अभी मैंने पब्लिशर को एक बुक भेजी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और कह रहा मैंने रात को देखा कि उसने टक मतलब छुपा के रख दिया नीचे मैट्रेस मतलब कि जो गद्दा था ना उसके नीचे उसने छुपा दिया पैसों को। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, कह रहा मुझे अनिल के काम करते हुए एक महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग,
शॉपिंग में जो मैं एक आध रुपये रख लेता था उसको छोड़ के, आई हैड डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, हैड डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं करा इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरा जो लाइन है ना वर्क, मेरी जो फील्ड है काम की, उसमें मैंने कुछ नहीं करा। इसकी फील्ड कौन थी? चोरी करना, चोर है। तो कह रहा वो एक आध रुपये रखने के अलावा मैंने अनिल के घर से कुछ नहीं चुराया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ऐसा नहीं है मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी कुछ ना कुछ चुराने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने घर के दरवाजे की चाबी भी दी है, एंड आई कुड गो कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकता हूँ, अंदर भी आ सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर मेट। वो सबसे ज्यादा ना मतलब विश्वास करने वाला आदमी है ज्यादा आज तक मुझे मिला है। उसने मेरे पे भरपूर विश्वास करा है, मुझे चाबी भी दे रखी है, ठीक है चलो। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और अब वो आता है पॉइंट पे, कहता है इसीलिए क्योंकि वो मेरे पे इतना विश्वास करता है, इसलिए मुझे इसके यहाँ चोरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कहता है जो लालची आदमी होता है उसके यहाँ चोरी करना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि अफोर्ड मतलब उसको रॉब होना चाहिए। वो अफोर्ड मतलब होता है ना मतलब कि आप कोई चीज़ झेल सकते हो, आप कोई चीज़ जो है खरीद सकते हो, अफोर्ड करना तो मतलब ये होता है। बट यहाँ पे वो कह रहा है लालची आदमी के साथ तो हो नहीं है सच, ये चोरी करोगी इसके घर में तो। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, बट कह रहा है जो केयरलेस मैन होता है ना मतलब जो ध्यान नहीं देते हैं, उनके यहाँ रॉब करने में मजा नहीं आता है। Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of work. तो ये कैसा चोर कह रहा है, अगर मैं किसी केयरलेस आदमी के यहाँ चोरी करूँ ना कि उसे चोरी कर लूँ और उसे पता ही नहीं चले तो मुझे मज़ा नहीं आता। जब मैं चोरी करूँ और सामने वाला दुखी हो मुझे मज़ा तो तब आता है, ठीक है। Well, it's time I did some real work. कह रहा बहुत समय हो गया मैंने कोई असली काम नहीं करा, असली काम मतलब चोरी से है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने खुद को कहा भाई मैं प्रैक्टिस से बाहर जा रहा हूँ, मैं जो यह सादा जीवन जी रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ, मुझे तो धूम थ्री करनी है, धूम फोर करनी है, चोरी करनी है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं मनी नहीं लूँगा और अगर मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और मैंने खुद को लॉजिकल रीजन दिया, मैं पैसे नहीं लूँगा तो अपने दोस्तों में उड़ा देगा ये पी कर और खा कर। आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, और फिर ये सोचता है यार ये मुझे पैसे देता भी तो नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि ये मुझे पे कर रहा है, मैं इसका नौकर बना हुआ हूँ, उसके लिए खाना बना रहा हूँ, मैं इसके लिए सामान ला रहा हूँ घर का, तो ये मुझे कोई सैलरी तो नहीं देता है। अब वो सोचता है चोरी करता हूँ। अनिल वॉज असलीप, अनिल सो रहा है, यहाँ पे देखो ये अ बीम ऑफ मून लाइट मतलब हल्की सी चांद की रोशनी स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। तो वो बैल्कनी में भी आ रही थी और उसका जो बेड था उस पर भी आ रही थी। आई सैट अपॉन द फ्लोर, वो बैल्कनी के फर्श पे ही बैठ जाता है, कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग मतलब सोचना, अपने दिमाग में सिचुएशन को सोचते हुए। इफ आई टुक द मनी, अपने दिमाग में सोचते अगर मैं मनी लूंगा उससे लखनऊ एक्सप्रेस जाएगी रात के 10:30 बजे, वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कह रहा मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर आया, ठीक है। आई क्रेप्ट अप टू बेड, क्रेप्ट अप टू मतलब पेट के बल रेंग के चलने को कहते हैं, तो हल्का 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 ऐसे चल के गया वो अनिल के बेड तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, तो अनिल का फेस बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई झुर्रियाँ नहीं थी उसके फेस पे, ना ही कोई स्पॉट्स निशान वगैरह थे उसके फेस पे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कार, कह रहा अनिल का चेहरा इतना साफ था, मेरे ज़्यादा हैं, मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं उससे ज़्यादा मेरे फेस पे, बट मेरे कोई वो मार्क्स नहीं है, मेरे तो वो स्कार्स हैं। स्कार्स मतलब क्या हुआ? चोटों के निशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये बच्चा पिटा भी होगा कुछ, इसने कुछ बुरी चीज़ें भी देखी होंगी लाइफ में, इसके फेस पे स्कार्स है, ठीक है। तो चलो घाव के निशान है बेसिकली इसके फेस पे। अब वो आगे कहता है माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड मतलब सरका के ये जो है गद्दे के नीचे अपना हाथ रखता है, एंड सर्च फॉर द नोट्स, और नोटों को वहाँ पे ऐसे ढूंढता है कि भाई मैं नोट निकालूँ। यहाँ देख सकते हो आप, ये अनिल के ना, अनिल ने इस गद्दे के नीचे जो है नोट छुपा रखे, तो ये नोट निकाल रहा है इसमें से, ठीक है। तो आप क्या करता है ये, अनिल साइड इन हिज स्लीप, और अनिल ना सोते सोते सांस लेता है एंड टर्न ऑन हिज लाइट, और वो जिस तरफ से मैं पैसे निकाल रहा था उसी तरफ उसका मुंह हो जाता है, उसी तरफ करवट बदल लेता है वो। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, कह रहा मैं बहुत डर गया और मैं बिल्कुल ऐसे रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल गया। अब वो पैसे तो चुरा ही चुका था। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, अब वो बाहर निकलता है जमुना स्वीट शॉप से बाहर उतर के आता है, कह रहा सड़क पर भागते हुए जा रहा होता हूँ मैं। आई हैड द नोट्स एट माई वेट, तो जो पैसे थे ना जो नोट्स थे वो कह रहा मेरी कमर पे थे, कमर पे मैंने बांध रखे थे अपने पजामे का जो नाड़ा था ना उसके साथ में। आई स्लोड डाउन टू वॉक, अब कह रहा मैं थोड़े धीरे चलने लगा, एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने पैसे ना तो वो गिने, तो वो 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे, मतलब 600 रुपये आज के समय में भी कोई कम अमाउंट नहीं है, अच्छी खासी अमाउंट है, बट ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो 600 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो कह रहा इतने पैसे में तो मैं मतलब जैसे अरब लोग रहते हैं ना, वो जो है शेख रहते हैं जैसे ऑल रिच कंट्रीज़ के अंदर, उनकी तरह ऐसे मतलब मज़े का शान शौकत का जीवन में जी सकता हूँ इतने पैसे में। हफ्ता भर तो 2 हफ्ते तक तो चली जाएगी मेरी शान शौकत की जिंदगी इतने पैसे में। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, कह रहा जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट टिकट इन माई लाइफ, मैं कभी टिकट खरीदता ही नहीं हूँ, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, कह रहा मैं भागता हुआ सीधा, डैश्ड स्ट्रेट मतलब मैं भागता हुआ सीधा गया प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे ट्रेन बोर्ड होती है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, लखनऊ एक्सप्रेस बस चल के जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, तो ट्रेन आपने जाते हुए देखा होगा हल्की हल्की जाती है और फिर एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, तो अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड, अब ये बहुत आराम से उस ट्रेन में चढ़ सकता था और जाके किसी भी सीट पर बैठ जाता, बट कह रहा मैं हेजिटेट, मैं डर गया, किसी चीज़ ने मुझे रोक लिया, ठीक है।
फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन आई लॉस द चांस टू गेट अवे. क्या पता नहीं क्या हुआ, कोई चीज़ ने मुझे रोक लिया और मैं चांस जो था ना मेरा भाग के जाने का वो मैं छूट जाता है क्योंकि ट्रेन निकल जाती है. When the train had gone, और जैसी ट्रेन चली जाती है, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब सुनसान. कह रहा जैसी ट्रेन में मैंने देखा, अरे यार मैं तो बिल्कुल सुनसान एक प्लेटफॉर्म पे हूँ. 15 साल का बच्चा है, रात हो रही है 10:30 बजे के करीब, 11 भी हो सकते हैं. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. कह रहा मैं रात कहाँ बिताऊँ, मुझे डर लग रहा था. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. तो इस 15 साल के बच्चे को लगता था दोस्त मुसीबतें लाते हैं, हेल्प करना तो दोस्तों की बहुत दूर की बात है. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग इन वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. अब क्या ना मेरा ये भी मन नहीं था कि जो होटल के होटल है ना वो स्टेशन के किनारे पे वहाँ रुकूँ तो लोग शक करेंगे 15 साल का बच्चा रात को क्या कर रहा है. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, एक ही आदमी है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप. वो वही आदमी है जिसकी चोरी करके आया हूँ, जिसके घर पर मैं अनिल मतलब. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. कह रहा मैं स्टेशन से बाहर निकला और बाजार में से निकलता हुआ जा रहा था. ठीक है, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ. और चलते हुए कह रहा मैं सोचता हूँ कि मेरा जो थीफ का शॉर्ट करियर ये 15 साल का ही तो हूँ अभी मैं. आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस. मैंने लोगों की शक्लें पहचानना और उनका शक्लें चेहरे पढ़ना सीख लिया है. When they had lost their goods, कब जब वो अपना कोई कीमती चीज़ें खोते हैं तो उनके चेहरे पे क्या भाव होता है ना, एक्सप्रेशन होता है, वो मैं देख चुका हूँ. The greedy man showed fear. जो लालची आदमी होता है उसे डर लगता है यार उसकी चीज़ चोरी हो गई. The rich man showed anger. अमीर लोग गुस्सा दिखाते हैं. The poor man showed acceptance. जो गरीब आदमी है वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी, अच्छा ठीक है जी हो गया है. But I knew Anil's face when he discovered the theft. कह रहा बट मुझे पता है अनिल के फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा मैंने पैसे चुराए हैं. Would show only a touch of sadness. और उसकी शक्ल पर क्या आएगी, सिर्फ एक जो है क्या आएगी, दुख आएगा, उसे दुखी फील होगा, वो सैड हो जाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लॉस के लिए नहीं कि पैसे खो गए हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट मतलब जो उसने उसके ऊपर विश्वास करा ना, विश्वासघात की वजह से जो मैंने उसके साथ करा उसे बुरा लगेगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. अब वो जो है एक मैदान में आ जाता है, वहाँ पे बेंच लगी थी वहाँ बैठ जाता है ग्राउंड पे. द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी हो चुकी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की बात है, उस जमाने की नवंबर की सर्दी बहुत ज़्यादा होती होगी. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ड्रिजल मतलब होता है हल्की हल्की बारिश की बूंदे, और डिस्कम्फर्ट मतलब होता है भैया जो परेशानी उसे ऑलरेडी हो रही थी कि रात बेरात घर तो है नहीं कहाँ रुके, ऊपर से बारिश और होने शुरू हो जाती है. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. अब उसके कपड़े गीले होकर उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन क्रॉस माई फेस. और फेस पे बारिश की बूंदे आ रही थी, मतलब बहुत ठंड होगी उस समय पे. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. कह रहा मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के नीचे शेल्टर जो है ना वहाँ बैठ गया. तो घंटा घर की छत के नीचे ना ऐसे था, बारिश की बूंदी आ रही होगी, मैं वहाँ बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, रात के 12 बज चुके थे. आई फेल्ट इट फॉर द नोट्स. कह रहा मैंने नोटों को छुआ. They were damp from the rain. Damp मतलब गीले हो चुके थे वो बारिश से. Anil's money. अब वो सोचता है कि यार ये अनिल के पैसे हैं. In the morning he would probably given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. हो सकता है ये मैंने नाच रहा था तो सुबह वो मुझे 2-3 रुपये देता और कहता सिनेमा मतलब पिक्चर देखाऊँ मैं जाके. But now I had it all. But कहते अब तो मेरे पे सारे हैं, 600 के 600 हैं, 2-3 थोड़ी हैं. But I couldn't cook his meals. कह रहा पर अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा. Run to bazaar. मैं बाजार जाके उसके लिए चीज़ें नहीं खरीद के ला पाऊँगा. और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एंड एनी मोर. और ना ही अब मैं कभी पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सीख पाऊँगा या और. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. और तभी उसे समझ में आता है कि यार मैंने गलती अभी कर एक स्लाइड है जो मैं लगाना भूल गई हूँ एक पैराग्राफ की. अब मैंने यहाँ PIP में लगा दिया तो मैं रीड करके बताती हूँ. तो अब इसको रियलाइज होता है कि मैं अब सेंटेंसेस नहीं लिख पाऊंगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट. चोरी के एक्साइटमेंट में मैं पढ़ने लिखने के बारे में तो भूल ही गया. होल सेंटेंसेस कि पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखूंगा. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू 100 rupees. कहते हैं मुझे अब समझ में आया कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा, सेंटेंसेस लिखना सब कुछ करना, तो मैं ये 100 rupees से बहुत ज़्यादा आगे चल के कमा सकता हूँ. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. कहते हैं जो है चोरी करना तो बहुत आसान है. एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और चोरी करके पकड़े जाना भी बहुत आसान है. बट टू बी रियली बिग मैन, बट अगर तुम्हें दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड, एक समझदार चालाक और रिस्पेक्टेड मैन इस दुनिया का बनना है. रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. भाई एक समझदार आदमी बनना, दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल आदमी बनना तो बहुत बड़ी बात है. चोरी करना बहुत आसान है, चोरी करके पकड़ जाना भी बहुत आसान है. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ. और तभी मैंने खुद को कहा कि अनिल के पास मुझे वापस जाना चाहिए, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. सिर्फ चाहे पढ़ने लिखने के लिए ही सही, मुझे अनिल पे वापस जाना चाहिए. तो अब ये रीड कर लिया तुमने, चलो वापस स्लाइड पे चलते हैं. बाकी तो एक पैराग्राफ देखो इसमें बीच में रह गया, मतलब कोई नहीं, मैंने तुम्हें रीड करके बता दिया. अब वो जो है वापस डिसाइड करता है कि अनिल के पास जाऊंगा क्योंकि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. कह रहा मैं भागता हुआ गया और उस समय मुझे हरीड बैक मतलब जल्दीबाजी में मैं घर गया. मुझे बहुत नर्वस यानी कि डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी. फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. तो कह रहे बहुत आसान है चोरी कर लेना, रैदर देन कि आप वो जो चोरी करी गई चीज़ें उसे वापस रखो, वो भी सामने वाले को पता ना चले. अनडिटेक्टिव मतलब उसको बिना पता चले. आई ओपन द डोर क्वाइटली. कह रहा मैंने दरवाजा खुला हल्के से, देन स्टूड इन द डोर वे और दरवाजे के पास खड़ा रहा इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्योंकि चांद की रोशनी अंदर आ रही थी कमरे के. ठीक है,
अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के पास गया एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसने नोट वहाँ पे रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और तभी उसके जो है हाथ पे अनिल की सांस आती है। आई रिमेन स्टिल, मैं एक मिनट रुक गया, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मैट्रेस के नीचे मैंने नोट रख दिया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, नोट छुपा दिए। अब अगला दिन वो लेट टेक्स मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब कह रहा अगले दिन मैं सुबह बहुत देर से उठा और मैंने देखा कि अनिल मेरे लिए भी चाय बना चुका था। अब मैं जैसे ही जाता हूँ तो ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके हाथों में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, कह रहा मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा इसने मुझे पकड़ लिया, डिस्कवर्ड मतलब पकड़ लिया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, बट अनिल ने क्या कहा, ही एक्सप्लेन, उसने मुझे कहा मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज मैं पे करूंगा, ठीक है। माई स्पिरिट्स रोज, कह रहा हूँ तभी जो मेरा दिल बैठ गया था, मेरी स्पिरिट्स, मेरी आत्मा खुश हो गई। बट वेन आई टुक द नोट, कह रहा जैसे मैंने 50 रुपये पकड़े, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रीम, कह रहा मैंने देखा वो तो अभी भी गीले थे क्योंकि कल रात को नोट्स भीग गए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और अनिल ने कहा आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉट हिज शोड आई शोड एनीथिंग, कह रहा अनिल को सब पता था कि मैंने पैसे चुराए होंगे, वापस रख दिए होंगे, कल बारिश हुई थी, ये सब, बट उसने कभी भी मतलब उस समय उसके आंखों से, उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से उसने मुझे ये बात फील नहीं होने दी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, कह रहा मैंने बहुत प्यारी सी स्माइल दी अनिल को, एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब की बार ये जो स्माइल थी ना ये विदाउट एनी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में याद होगा ये कहता था चापलूसी करता हूँ मैं, फ्लैटरी करता हूँ, बट कह रहा आज ये जो खुशी थी, ये जो स्माइल, ये जो मुस्कान मेरे चेहरे पर आई थी, ये खुद से आई थी, अपने आप से मेरे मन से आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि आज उसने अनिल की अच्छाई देखी कि भाई ये लड़के को पता है कि मैंने गलती करी है, बट ये मेरी गलती को माफ़ कर दिया इसने, कि और इसे पता है कि मैं पढ़ने लिखने दोबारा आया हूँ, तो इसने मुझे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कोई और होता तो वो जेल में डलवा देता, बट अनिल वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। मैंने अब आप चैप्टर को ना मैं 10 मिनट में पढ़ा देती गाइस, आपको ये चैप्टर सही बता रही हूँ, पढ़ा भी रखा है मैंने 10-15 मिनट में, उसमें भी पूरा समझ में आ रहा है, सारी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा दूंगी तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं है 10 मिनट वाली वीडियो में तुम्हें समझ सब कुछ समझ में आएगा, बट आई एम चेंजिंग द कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि मैंने नोटिस करा कई बच्चे कभी एनसीईआरटी को रीड ही नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें एनसीईआरटी का रीड करवा दी लाइन, तो अब तुम एनसीईआरटी मत छूना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रीड करवा दी, वर्ड मीनिंग बता दी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं इस साल के पैटर्न के, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो है तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे मैं लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगी। अब अगर आपको नोट्स की टेंशन हो रही है, और इंस्टाग्राम आईडी को मेरी चेक करो, वहां पे मैं सारे नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती हूं, और इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो आप, वहां पे लिंक गिवन है, और इंस्टा नहीं यूज करते तो पिन कमेंट में थोड़े बहुत नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, वहां से देख लो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलूंगी।